आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत की महान क्रांतिकारी प्रीतिलता वद्दार की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर 24 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून था। स्कूली दिनों से ही वो रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस से प्रभावित थीं। कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने शहर चटगांव लौटी और वहां के इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में प्रधान अध्यापिका नियुक्त हो गई। यहीं प्रीतिलता का संपर्क प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ और वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गयी। प्रीतिलता मानती थी कि अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं को भी भूमिका निभानी चाहिए। प्रीति के एक भाई क्रांतिकारी दल में शामिल थे। उन्होंने ही प्रीति को सूर्यसेन से मिलवाया था। सूर्यसेन ने प्रीतिलता को अपने क्रांतिकारी समूह की पहली महिला सदस्य बना लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते ही प्रीति अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलनों में कूद पड़ी। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर को तबाह करने के साथ 1932 के जलालाबाद पहाड़ी पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जे के लिए हुए क्रांतिकारी ऑपरेशन में भी वो शामिल रहीं। क्रांतिकारियों की योजना के मुताबिक बाद में चटगांव में स्थित अंग्रेजों के क्लब पर धावा बोलने वाले दल की प्रीतिलता ने अगुवाई की। उस दिन प्रीतिलता पुरुषों की पोशाक में थी। गोलीबारी में उन्हें गोली लगी। घायल हालत में उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब नाकाम रही तो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उनके इस अमर बलिदान ने क्रांति की आग में घी का काम किया। प्रीति क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गई। राष्ट्र प्रेम से सराबोर वीरांगना को शत शत नमन।